हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बैलों की कथा से कुछ MCQs। तो चलो देखते हैं कि तुम लोग इसमें से कितना आंसर दे पाते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे माना गया है, गाय, बैल, लोमड़ी या गधा? तो सही आंसर है गधा। इस पाठ के आधार पर दो बैल हैं, उनके नाम क्या है? सोना और चांदी, हीरा और मोती, चुन्नू मुन्नू, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हीरा और मोती। इस कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जावेर हुसैन, राजेश जोशी, ओम प्रकाश? तो सही आंसर है प्रेमचंद। दो बैलों की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? शत्रु को शत्रु समझना चाहिए, मालिक की सेवा करते रहना चाहिए, आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना चाहिए, दूसरों के अत्याचार सहते रहना चाहिए। तो सही आंसर है आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना चाहिए। लेकिन किसी औरत पर सिंह चलाना मना है, यह बात किसने कही है? मोती ने, गया ने, हीरा ने या झूरी ने? तो सही आंसर है हीरा ने। पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है? गया, झूरी, चौधरी, कोई नहीं। तो सही आंसर है झूरी। हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान किया, क्योंकि उन्हें लगा उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है। हीरा और मोती को गया अच्छा इंसान नहीं लगा था। हीरा और मोती को वह रास्ता मालूम नहीं था, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है उन्हें लगा कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है। गया झूरी का क्या लगता था, भाई, मामा, दोस्त या साला? तो सही आंसर है साला। झूरी के ना चाहते हुए भी हीरा और मोती को बेचना पड़ा, क्योंकि झूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देने देती थी। झूरी उन्हें पेट भर खाना नहीं दे पा रहा था। हीरा मोती बहुत मारने वाले जानवर थे, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कि झूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देने देती थी। गया ने हीरा और मोती को सूखा भूसा खाने को दिया, क्योंकि वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत गुस्सा था। गया पराए बैलों पर ज़्यादा खर्च नहीं करता था, उसे खाना पीना आदि सामानों की जानकारी नहीं थी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कि गया पराए बैलों पर ज़्यादा खर्च नहीं करता था। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 1936 में, 1856 में, 1963 में या 1895 में? तो सही आंसर है 1936 में। हीरा मोती गया के घर से पहली बार क्यों भागे? उन्हें गया और उसका घर अच्छा नहीं लगा? गया गरीब था इसलिए? हीरा मोती को वहां सब कुछ पराया सा लगा और वह जगह उनकी नहीं थी? या हीरा मोती गया के डर से वहां से भाग गए? तो सही आंसर है कि हीरा मोती को वहां सब कुछ पराया सा लगा और वह जगह उनकी नहीं थी। यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, यह कथन किसने किससे कहा है? झूरी ने अपनी पत्नी से, हीरा ने मोती से, गया ने हीरा मोती से, या किसी ने किसी से भी नहीं? तो सही आंसर है हीरा ने मोती से। हीरा मोती को गया के घर में कब अनुभव हुआ कि यहाँ भी उनकी देखभाल करने वाला कोई तो है? पहला है कि जब रात के समय एक छोटी लड़की उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर चली गई, या जब गया ने दोनों को रूखा सूखा भूसा खाने को दिया, या जब दोनों से काम कराया गया, या फिर जब उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। तो सही आंसर है जब रात के समय एक छोटी लड़की उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर चली गई। दोनों बैलों को भूखा रखा गया कितने दिनों तक? 7 दिनों तक, 14 दिनों तक, 2 दिनों तक या 5 दिनों तक? तो सही आंसर है 7 दिनों तक। हीरा और मोती और बाकी पशुओं को कहाँ बांधा जाता था? गौशाला में, जंगल में, कांजी हाउस में, पाठशाला में?
तो सही आंसर है कांजी हाउस में। हीरा मोती की मदद उनके गले में बंधी रस्सी खोलकर किसने की? झूरी ने, स्वयं हीरा मोती ने, चौधरी ने, उस छोटी सी लड़की ने? तो सही आंसर है उस छोटी लड़की ने। किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते? पहला, यदि वे सांड से डरकर नहीं भागते, या जब वे दोनों किसी के भी खेत में जाकर मटर खा लेते, या भूखे रहकर, या फिर यदि वो सांड से डरकर भाग जाते। तो सही आंसर है यदि वे सांड से डरकर भाग जाते। हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागने की कोशिश की है? दो बार, चार बार, सात बार या एक बार? तो सही आंसर है चार बार। हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? हिंदी भाषा में, देवनागरी भाषा में, फ्रांस में या मुख भाषा में? तो सही आंसर है मुख भाषा में। पशुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है जो मनुष्य में इनकी अपेक्षा कम है? पहला, मन के भावों को समझ लेना, या दूसरे से काम लेना, या अच्छे बुरे में भेद करना, या अपना मतलब निकालना? तो सही आंसर है मन के भावों को समझ लेना। कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेच दिया गया? पहला सरियल को, दूसरा अरियल को, तीसरा दरियल को, या चौथा चौधरी को? तो सही आंसर है दरियल को। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, यह कथन किसने कहा? झूरी ने, दरियल ने, चौधरी ने या गया ने? तो सही आंसर है दरियल ने। लावारिश पशुओं को रखने की जगह को क्या कहते हैं? कासी होज, काशी हाउस, हॉस कांजी या कांजी हाउस? तो सही आंसर है कांजी हाउस। गधा एक आध बार कुलेल कर लेता है, वैशाख महीने में, चैत महीने में, सावन महीने में या अन्य कोई? तो सही आंसर है वैशाख महीने में गधा एक आध बार कुलेल कर लेता है। किसके कारण हीरा मोती ने नाद की ओर देखा तक नहीं? डर के कारण, अपमान के कारण, बीमारी के कारण या गुस्से के कारण? तो सही आंसर है अपमान के कारण। कांजी हाउस में हाजिरी लेने कौन आया था? गया, दरियल, झूरी या चौकीदार? तो सही आंसर है चौकीदार। झूरी के दोनों बैल उसके प्रति किस भाव से रहते थे? प्रेम भाव, गुस्से भाव, दया भाव या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है प्रेम भाव। गया के घर की एक छोटी सी लड़की उन दोनों बैलों को रोज रात कितनी रोटी दे जाती थी? एक रोटी, दो रोटी, छह रोटी या चार रोटी? तो सही आंसर है दो रोटी। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? झूरी के घर, जंगल में, या झूरी एवं जंगल दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है झूरी के घर। बैलों के भागकर वापस आने पर झूरी ने पत्नी को क्या कारण बताया? पहला, वे दोनों नमक हराम हैं। दूसरा, उन दोनों को दाना पानी नहीं मिलता था। तीसरा, वह काम करना नहीं चाहते थे, या वह आलसी थे? तो सही आंसर है उन दोनों को दाना पानी नहीं मिलता था। गया ने बैलों को किससे बांधा था? मोटी रस्सी से, जंजीरों से, फूटों से या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है मोटी रस्सी से। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? पहला, कोई पशु भाग तो नहीं गया। दूसरा, कोई पशु घट तो नहीं गया। तीसरा, कोई पशु मर तो नहीं गया, या पहला और तीसरा? तो सही आंसर है पहला और तीसरा। हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है? पहला, एक दूसरे का भार संभालते थे। दूसरा, एक दूसरे के लिए लड़ना, या तीसरा, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना, और चौथा, सभी? तो सही आंसर है सभी। लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? पहला नेताओं के, दूसरा अभिनेताओं के, तीसरा व्यापारियों के, चौथा ऋषि मुनियों के? तो सही आंसर है ऋषि मुनियों के। बछिया का ताऊ किसे कहते हैं? पहला बैल को, दूसरा गधा को, तीसरा भैंसा को या चौथा घोड़ा को? तो सही आंसर है पहला बैल को। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी? पहला बैलों का नाचना,
दूसरा बैलों का भागना, तीसरा बैलों का अपने आप घर आ जाना, या चौथा बैलों का खेत जोतना। सही आंसर है बैलों का अपने आप घर आ जाना। बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? पहला झूरी ने, दूसरा गया ने, तीसरा दरियल ने, या चौथा बाल सभा ने? तो सही आंसर है चौथा बाल सभा ने। गया के घर से भागकर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला वह खुश हो गई, दूसरा वह रोने लगी, तीसरा जल उठी, या चौथा पानी चारा लाई? तो सही आंसर है तीसरा जल उठी। दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? पहला खींचते हुए, दूसरा मारते हुए, तीसरा ट्रक पर, या चौथा गाड़ी में जोत कर? तो सही आंसर है चौथा गाड़ी में जोत कर। मुझे मारेंगे तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, यह बात किसने कही थी? हीरा ने, मोती ने, गया ने, या झूरी ने? तो सही आंसर है मोती ने। हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? चना, मटर, सरसों, या मूंग? तो सही आंसर है मटर। कांजी हाउस की दीवार गिरते ना गिरते कितनी घोड़िया सरपट भाग निकली? एक, दो, तीन, या चार? तो सही आंसर है तीन। झूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया? रस्सी से बांधा, गया को बुलाया, दरियल को बुलाया, या गले से लगाया? तो सही आंसर है गले से लगाया। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, यह बात किसने कही थी? हीरा ने, मोती ने, चौकीदार ने, या दरियल ने? तो सही आंसर है हीरा ने। उसी समय मालकिन ने आकर हीरा मोती को क्या किया? आरती उतारी, चारा डाली, पानी दिया, या माथे चूम लिया? तो सही आंसर है माथा चूम लिया। हार कर कौन चला गया? झूरी, दरियल, हीरा, या मोती? तो सही आंसर है दरियल। यह आदमी छुरी चलाएगा, यह बात किसने कही थी? मोती ने, हीरा ने, झूरी ने, या चौकीदार ने? तो सही आंसर है मोती ने। तो ये था हमारा MCQs। आई होप तुम लोग इसका आंसर दे पाए होगे और तुम लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।